हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिवगंज उपखंड के आलपा ग्राम पंचायत में सरपंच एवं सचिव द्वारा अपनी मनमर्जी से प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में से नाम काटने को लेकर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रकट कर विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर जांच करने की गुहार लगाई है। आज ग्राम पंचायत 12-18 जो ग्रामीण लोग हैं इकट्ठा होने नाराबाजी की थी और सरपंच ने ग्राम सेवक माते भ्रष्टाचार रो आरोप लगाई हो अन्य बारे में आपका क्या कहना? प्रस्ताव ले लियो मैं कियो कि भाई काफ़ी लोगों सुख है हमें आप जरूरत के दे दें मुझे सर्वे करके लगा लिया सुख है हमें दोस्त की दी गई तो उसे प्रस्ताव में लीदा आपने करी तो ना लोग करेंगे प्रस्ताव में नौ नहीं आ रहे ये मैं तो बताइए। आज जो ग्रामवासी यहाँ पंचायत के बाद धरना दिया इकट्ठे हुए क्या मामला है? सर मामला ये है कि 2016 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची और अपात्र सूची जो साथ में आई थी उसका 24 अप्रैल 2016 को पहली बार ग्राम सभा हुई और ग्राम सभा के बाद में उनका सर्वे हुआ और तत्कालीन जो सेक्रेटरी जो थे ग्राम सेवक जी थे उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के पश्चात जो जिनके घर पक्के थे या जिनकी ज़मीनें थी उनको अपात्र किया और जो इसके अलावा जो शेष रहे अवशेष जो थे पात्र परिवार माने गए। अब ये ग्रामवासी कह रहे हैं कि हमारे नाम क्यों काटे जबकि वास्तव में वे या तो अपात्र होंगे इसलिए उस समय काटे होंगे या उनकी ज़मीनें होगी घर पक्के होंगे तो काटे होंगे। उसके बाद में जो वंचित रह गए हैं तो भारत सरकार की निर्देशानुसार और गाइडलाइन के अनुसार हमने जो सर्वे किया उसमें 220 नाम जो है वो हमने वंचित परिवारों के वंचित जो रह गए हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनको पात्र मान करके उसकी लिस्ट जो है वो हमने समिति में जमा करवा दी और समिति से आगे अनुमोदन होकर के वो लिस्ट जिला परिषद पहुंच गई है और राज्य सरकार के पास भिजवा दी गई है और जो बचे हुए वंचित परिवार हैं जिनके मकान अभी तक कच्चे हैं और वंचित परिवार हैं उनके जो मकान है वो आगामी जब इस जो योजना है उसमें उनके मकान स्वीकृत होकर आ जाएंगे और उनका कार्य जो है वो पूर्ण करवा लिया जाएगा। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।